बोलिए सतगुरुदेव की जय। अभी हम लोग संतों के द्वारा बहुत सुंदर सुंदर विचार और भजन श्रवण कर रहे थे। अंतिम दिन का ये अंतिम सत्र है, इसलिए आप लोग ध्यान लगा करके सुनिए, नहीं तो जब सत्संग खत्म हो जाएगा तो कल आप लोगों को संतों की याद होने न लगे। संत दूर दूर से आए थे, बहुत सुंदर सुंदर विचार सुना रहे थे। क्या बताएं, सत्संग में तो गए थे, साथी से बातचीत कर रहे थे, संतों के विचार भूल गए, ये ना हो। देखिए सत्संग कैसे सुनना चाहिए, पहले इस पर सोचिए। यहाँ आप हम जितने लोग बैठे हैं ना, कैसे सत्संग सुनना चाहिए इस पर सोचिए। एक गांव था, तो उस गांव में एक परिवार था, तो उस परिवार का जो घर का जो मालिक था वो वृद्ध हो गया था, और वृद्ध के पास ही तिजोरी का चाबी रहता था, और वो ऐसा घर का अगुआ था कि अपने जीते जी किसी को तिजोरी का चाबी वो देना नहीं चाहता था, इतना उनको था। तो वृद्ध हो गया था, घर वालों को ये हो गया था कि ये अब ज्यादा दिन के साथी नहीं हैं। तो घर के जितने उनके सदस्य हैं, बेटा बहू नाती पोते, सब उनकी एक एक बातों पर विचार करते थे कि ये चाबी तो किसी को दे नहीं रहे हैं, किनको पैसा दिए हैं, किनके पास कितना जमा है, क्या है, किसी को बता नहीं रहे हैं, कह करके उनकी एक एक बातों को ध्यान देते थे। यदि अभी जब तक इनकी मुख से वाणी निकल रही है, उच्चारण हो रहा है, बता देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा, नहीं तो जहां का तहां रह जाएगा, बाद में पछताना पड़ेगा। ऐसा सोच करके उनकी एक एक बातों को ध्यान से सुनते थे। इसी प्रकार आप हम भी आज का जो सत्संग देखिए, 7:15 हो गया है, 8:30 तक चलेगा बस, इसलिए 8:30 तक आप अपने चित्त को एकाग्र करके सुनिए, नहीं तो अंत में पछताना ना पड़े। कैसे पछताना ना पड़े, एक उदाहरण से और समझिए। अकबर ने बीरबल से, अकबर बीरबल का उदाहरण तो आप लोग जानते हैं। अकबर ने बीरबल से एक दिन पूछा कि बीरबल यह तो बताओ, मेरे हथेली में बाल क्यों नहीं है। बीरबल, अकबर ने बीरबल से पूछा कि मेरे हथेली में बाल क्यों नहीं है। बीरबल ने कहा, हुजूर आप दान अधिक देते हैं, इसलिए आपके हथेली के बाल दान देते देते झड़ गए हैं। उत्तर सुन करके अकबर बहुत खुश हुआ। जैसे बीरबल दूसरे दिन उपस्थित हुए, अकबर ने पुनः प्रश्न किया कि बीरबल कल तुमने बताया था मेरे हथेली के बाल तो दान देते देते झड़ गए हैं, किंतु तुम्हारे हथेली में भी तो बाल नहीं हैं, तुम्हारे हथेली के बाल कहाँ चले गए। तब बीरबल ने कहा, हुजूर आप दान देते हैं, अब मैं दान लेता हूँ, आपके हथेली के बाल दान देते देते झड़ गए और मेरे हथेली के बाल दान लेते लेते झड़ गए। उत्तर सुन करके अकबर बड़ा खुश हुआ। अब ऐसा कोई उत्तर देने वाला हो तो क्यों नहीं खुश होंगे। जब तीसरे दिन बीरबल फिर उपस्थित हुआ दरबार में, तब अकबर ने कहा, बीरबल कल तुमने बताया था आपके हथेली के बाल दान देते देते झड़े हैं,
मेरे हथेली के बाल दान लेते लेते झड़े हैं, किंतु ये जो प्रजा बैठी है, जनता बैठी है, इन लोगों के हथेली में भी तो बाल नहीं है, तो इनके हथेली के बाल कहाँ चले गए? तब बीरबल ने कहा, हुजूर, आपके हथेली के बाल दान देते देते झड़े, मेरे हथेली के बाल दान लेते लेते झड़े, और ये जो प्रजा बैठी, जनता बैठी है, इन लोगों के हथेली के बाल इसलिए झड़ गए। हाय अकबर ने दिया तो बहुत कुछ, किंतु हाय हमको नहीं मिला, हाय हमको नहीं मिला, ऐसा हाथ मलते मलते झड़े। तो 8:30 के बाद आप लोगों को भी, गया रहिका के लोगों को भी हाथ मलना ना पड़ जाए। इसलिए गया रहिका के प्रेमियों से निवेदन है कि अंत भला तो सब भला, दो दिन आप ना समय निकाल सके तो कम से कम अंत में तो आइए और संतों के वाणी वचन से अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। ये सत्संग, सत्संग में, सत्संग में ही मनुष्य का उत्थान होता है, सत्संग से ही जीवन का सुधार होता है। ये मत सोचो कि ये कबीरपंथियों का सत्संग है, ये मत सोचो कि ये राधा स्वामियों का है, ये मत सोचो कि ये जय गुरुदेव का है, ये मत सोचो कि ये मेही बाबा का है। कोई कहीं भी सत्संग हो रहा है वो सत्संग नहीं है। यदि हमारे मन में यह भाव है कि ये अमुक पंथ वालों का सत्संग है, तो समझ लीजिए वो सत्संग नहीं है। सत्संग में ज्ञान की बातें बताई जाती है, और ज्ञान की बातें किसी पंथ की नहीं होती है। देखिए, सूर्य से आप रोशनी ले रहे हैं, ये सूर्य की रोशनी का किसी पंथ की है क्या? आपके गांव में आसपास में नदी नाले है कि नहीं? तो नदी नाले किस पंथ का है बताइए? प्रकाश ले रहे हैं, रोशनी ले रहे हैं। आपके गांव में दुकानें हैं, दुकान है, दुकानें में कोई घर में सामान की आवश्यकता पड़ती, दुकान में जाते हैं, सामान खरीदते हैं कि नहीं? कि वहां भी पूछते हैं कि ये कबीरपंथियों का दुकान है कि अमुक लोगों राधा स्वामियों का है कि जय गुरुदेव किनका, पूछते हैं क्या? जाते हैं सत्संग में, जो दुकान में जो चीजें अच्छी लगती है ले लेते हैं, अन्यथा दूसरे दुकान में लेते हैं। इसी प्रकार जहां सत्संग हो रहा है तो सत्संग किसी मत पंथ का नहीं है, सबके लिए है। वहां आप जाइए, जो बातें आपको अच्छी लगे ले लीजिए, जो बातें अच्छी ना लगे वहीं झाड़ करके निकल जाइए। सदगुरु ने इसीलिए कहा है, सबसे रहिए, सबसे बसिए, सबका लीजिए नाम, और हाँ जी सबसे कहिए और रहिए अपना ठाम। सबकी बातों को सुनो, सबको आदर दो। जीवन को पवित्र बनाना है तो सबकी बातों को सुनो, आदर दो। किंतु ले अभी थोड़ा सा रुको, फिर होगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ा रुको, बोल देंगे, बोल, बैठो। तो आप लोग ये ना सोचिए कि ये अमुक मत का है, कोई भी मत का हो, ज्ञान की बातें अच्छी। ये बताइए, आप आभूषण खरीदने के लिए जाते हैं, किसी ज्वेलर से यहाँ जाते हैं, तब ज्वेलर से यहाँ जाते हैं तो ये देखते हैं कि ये किस मत का ज्वेलर है, किस मत का है, देखते हैं क्या? कि सामान खरीदने जाते हैं किराना दुकान में तो ये देखते हैं कि किस मत का है? जहाँ आपको सामान अच्छा लगता है खरीद लेते हैं कि नहीं? तो इसी प्रकार जहां से आपको अच्छी बातें मिले खरीदिए, मतलब सुनिए। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, सदगुरु वचन सुनो हो संतों, मत लीजय सिर भार, हो हजूर ठाड़ कहत हो,
अब तय समहर है संहार। सतगुरु कहते हैं कि सतगुरु के वचनों को सुनो और सतगुरु वचन अपने सिर पर किसी प्रकार का बोझा मत लादो। मैं दृढ़ता पूर्वक कह रहा हूं कि तू ही सबका हुजूर है, स्वयं संभलो और दूसरों को संभालो। सतगुरु कहते हैं सतगुरु के वचनों को सुनो। आप लोग कह सकते हैं महाराज हम लोग सत्संग में जाते हैं, संतों के वाणी वचन सुनते हैं, ध्यान करते हैं, माला फेरते हैं, जप करते हैं, सब कुछ करते हैं करते हैं, फिर भी कबीर साहब क्यों कह रहे हैं कि संतों के वाणी वचन को सुनो? क्यों कह रहे हैं? यदि आप सत्संग में जाते हैं, ध्यान करते हैं, माला फेरते हैं, जप करते हैं, गुरु का मंत्र रटते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हुए भी आपका मन उलझा हुआ है, रात्रि में बिस्तर में गए नींद नहीं आ रही है, करवटे बदल रहे हैं, रात्रि व्यतीत हो जा रही है, पत्नी से अनबन है, भाई भाई में तनाव है, मन उलझा हुआ है, टेंशन में है, पति पत्नी से व्यवहार सही नहीं है, तो कहां आप संतों के वाणी वचन को सुन रहे हैं? संतों के पास हम किस लिए जाते हैं? क्या सत्संग में जाने से कोई भौतिक लाभ होता है क्या? नहीं, भौतिक लाभ नहीं होता है। सत्संग में जाने से जीवन जीने की सीख मिलती है, आत्मिक रोशनी मिलती है, और आत्मिक रोशनी के लिए हम सत्संग में जा रहे हैं। सत्संग में जाने के बाद भी हमको रात में नींद नहीं आ रही, मन उलझा हुआ है, तो समझ लीजिए एक कान से सुन रहे हैं और दूसरे कान से निकालते चले जा रहे हैं। सत्संग में जा तो रहे हैं, बैठे भी हैं, किंतु प्रेम नहीं है, इसलिए संतों के बताए रास्ते पर चल नहीं पा रहे हैं। तो जीवन में आप शांति चाहते हैं, अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो जीवन में प्रेम की आवश्यकता है। कैसे जीवन में प्रेम से रहना चाहिए, कैसे घर परिवार में प्रेम से रहना चाहिए, इसके लिए संत ही रास्ता बताते हैं। जैसे देखो एक गांव है गया रहिका, ऐसे एक घर में सुबह सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त के समय में 3 संत उनके घर में पधारे। घर वाले सोए थे, ब्रह्म मुहूर्त का समय था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, नींद लगी हुई थी, तो तीनों संत पधारे, गेट में ताला लगा हुआ था, खटखटाए। जैसे खटखटाए घर की जो मालकिन थी, देवी थी, वो निकली, बत्ती जलाई, ताला खोले, तो देखते हैं कि 3 सभ्य पुरुष उनके घर के सामने खड़े हुए हैं। तीनों को महिला, मतलब ऐसे सभ्य पुरुष कभी नहीं देखे थे। तीनों की आभा चमक रही थी, तीनों के चेहरे में मुस्कान थी, तीनों को देखने से ऐसा लगता है कि लगता था कि किसी देवलोक से आए हैं। ऐसे तीनों पुरुष को देख करके महिला बहुत प्रभावित हुई, नमस्कार की, और नमस्कार करके तीनों से निवेदन की कि आप तीनों हमारे घर में पधारे। जैसे उस महिला ने कहा, वैसे उन तीनों में एक ने कहा कि हम 3 आए हैं, अब 3 में एक आपके घर में जाएंगे और 2 वापस लौट जाएंगे, बोलो आप किनको ले जाना चाहती हो? तब वो महिला असमंजस में पड़ गई। पहली तो आप लोग ये बताइए कि आप लोग कहाँ से आए हैं, और आप तीनों अपना परिचय दीजिए, नाम बताइए, तभी तो हम निर्णय लेंगे। ता जो बीच में खड़े थे बोल रहे थे, उन्होंने कहा मेरे बगल में जो खड़े हैं दाहिने हाथ ओर, उसका नाम है धन,
और मेरे बाएं ओर जो खड़े हैं उनका नाम है यश, और मुझे लोग प्रेम कहते हैं। जैसे वो महिला सुनी, निर्णय नहीं कर पाई, दौड़े दौड़े घर में गई, अपने पति को बोली कि तीन सभ्य आदमी आए हैं और तीनों का ये नाम है, बोलो, एक आना चाहते हैं और दो लौट जाना चाहते हैं, किनको मैं बुलाऊं? महिला अपने पति से कह रही है। उसका पति ने कहा, तुम पगली हो, क्यों देरी कर रही हो? अरे धन को बुलाओ ना, आज पूरी दुनिया धन के लिए मर रही है, धन आ जाएगा तो घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी, धन आ जाएगा तो खुशहाली से जीवन जिएंगे, अभी एक एक पैसे के लिए कड़ी मेहनत करना पड़ता है, पसीना बहाना होता है, इसलिए आप जल्दी कीजिए, धन को बुलाइए। जैसे उसकी बात पूरी हुई, बड़ा लड़का बगल में था, उन्होंने कहा, मम्मी मेरी मानो तो आप धन को ना बुलाओ, यश को बुलाओ। अरे घर में तो इतना धन है कि अंबार लगा हुआ है, कभी किसी दिन चोर का भय है, सरकार का भय है, डाकू का भय है, सरकार के इनकम टैक्स का छापा का भय है, क्या क्या करना पड़ता है मैं जानता हूँ, पापा क्या क्या जानेंगे। आज पूरी दुनिया नाम के लिए मर रहे हैं, यश के लिए मर रहे हैं, हमारे घर में धन है, परिवार है, सब कुछ है, किंतु हमारा नाम ही नहीं हो रहा, इसलिए आप यश को बुलाओ, जीवन में यश की आवश्यकता है। जैसे उसकी बात पूरी हुई, उसकी छोटी बहू ऊपर रहती थी, वो दौड़े दौड़े आई और आकर के कहने लगी, मम्मी मम्मी मेरी मानो तो उन तीनों में जो प्रेम है, प्रेम को बुला लो, जब प्रेम हमारे घर में आ जाएंगे तो सब अच्छा रहेगा। ये कह करके उसकी छोटी बहू ने कहा, वो महिला बाहर निकली और बाहर निकल करके नमस्कार की, नमस्कार करके कहने लगी, आप तीनों में जो प्रेम है वो हमारे घर में पधारे। ये बहू महिला ने कहा, जैसे उस महिला ने कहा वैसे उन तीनों मुस्कुराए और तीनों मुस्कुरा करके कहने लगे कि यह निर्णय आपका है कि घर के किसी जिस सदस्य का है, जिन्होंने भी ये निर्णय दिया है उसके हम लोग पीठ थपथपाते हैं, बहुत अच्छा निर्णय है। ऐसा कह करके प्रेम अपने कदम को उस घर में बढ़ाए। जैसे प्रेम कदम रखे उसके पीछे पीछे धन भी कदम रखे, और जब धन कदम रखे तो उसके पीछे पीछे यश भी कदम रखे। तीनों के तीनों जब घर में प्रवेश किए तब वो महिला मुस्कुराई, मुस्कुरा करके कहने लगी, आप लोग तो कहे थे कि तीनों में एक प्रवेश करेंगे दो लौटेंगे, अब आप तीनों के तीनों पधार रहे हैं। तब तीनों ने मुस्कुरा करके कहा कि बहन, आपने प्रेम को आदर दिया, प्रेम को सम्मान दिया, जिस घर में प्रेम रहेगा उसी घर में तो लक्ष्मी निवास करेगी, वही उसी घर में तो सम्मान होगा, उसी घर में तो निवास मतलब शांति रहेगी, और जिस घर में धन धान्य है, आपस में प्रेम है, आपस में सुंदर व्यवहार है, उसी घर परिवार का तो नाम बढ़ चलेगा, उसी घर परिवार को तो लोग याद करेंगे, तो इसलिए आपने प्रेम को सम्मान दिया, इसलिए आप हम तीनों के तीनों पधार रहे हैं। तो जीवन में आप लोग सुख चाहते हैं, जीवन में शांति चाहते हैं, तो प्रेम को आदर दो। रामायण में कहा गया है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना।
जहाँ सुमति होती है वही लक्ष्मी निवास करती है, और जहाँ कुमति होती है वहां से लक्ष्मी चली जाती है। तो जीवन में प्रेम चाहिए। प्रेम कहा ही गया है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम किसी बाड़ी में उत्पन्न नहीं होता है। बाड़ी में आप बैगन लगा सकते हैं, परवल लगा सकते हैं, भिंडी पैदा कर सकते हैं, आलू पैदा कर सकते हैं, किंतु क्या इसको बाड़ी में आप पैदा करेंगे? बाड़ी में पैदा नहीं होने वाली, ना कोई बाजार में बिकने वाला है। प्रेम की शिक्षा, कैसे घर परिवार में प्रेम से रहना चाहिए, ये शिक्षा इन संत गुरुजनों के शरण में मिलेगा, इसके अलावा कहीं मिलने वाला नहीं है। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, सदगुरु वचन सुनो हो संतों, सदगुरु के वचनों को सुनो, ये मत संतों के वचनों को सुनो। अपने मन में ये भाव मत रखो, कबीर पंथियों का सत्संग है। अपने मन में यह विचार मत रखो, राधा स्वामियों का सत्संग है। अपने मन में यह विचार मत रखो, ये मेही बाबा का सत्संग है। सत्संग कोई भी हो, जाओ संतों के वाणी वचन सुनो, और अपने जलते, हमारा हृदय जल रहा है, किससे जल रहा है? काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आशा तृष्णा जल रहा है ना? आप हम दुखी हैं कि नहीं? आप हम टेंशन में जी रहे हैं कि नहीं? आप हम तनाव में जी रहे हैं कि नहीं? इन तनाव को दूर करने के लिए केवल सत्संग ही रास्ता है। सत्संग से ही लोगों का उत्थान हुआ है, इसके अलावा दूसरा कोई चांस नहीं है। तो आइए आप हम बस चंद्र समय का साथी हैं, इसलिए अपने चित्त को एकाग्र करके संतों के विचारों से लाभ उठाएं। बस मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की जय।